Good morning, friends. Welcome back to my channel, Management Mantra. And today we are talking about Employee State Insurance Act 1948, जिसका introduction part हम already कर चुके हैं. मैं Dr. Barkha Gupta आपके सामने introduction part पहले भी ला चुकी हूँ. But अब मैं जो आपसे discuss करने वाली हूँ, that is the part two, जिसमें हम इसकी definitions पढ़ेंगे. जो डेफिनेशंस है उसको मैंने टू स्लाइड्स में कन्वर्ट किया हुआ है, आई मीन टू सेक्शंस में वो आपके पास आएंगी. तो सेक्शन टू की जितनी भी आपकी डेफिनेशंस हैं उसमें से आधी डेफिनेशंस आपको इस पार्ट में मिलेंगी और आधी डेफिनेशन जो है वो पार्ट थ्री में आपको मिलेंगी, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत ना आए और जो भी आपको टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं डेफिनेशंस में एटलीस्ट वो आपको इजीली कवर अप हो जाए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और अगेन जो भी पार्ट आपको लाइक पार्ट वन अगर आपका मिस हो गया है और जो बाकी के एक्ट हमारे हो चुके हैं उनका उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं. सो डेफिनेशंस, जैसा आपको पता ही है, कोई भी एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन टू में आपको मिलती है. ठीक है, सेक्शन टू आपका बेसिकली डेफिनेशंस में डेफिनेशंस के लिए ही होता है. तो इन डेफिनेशंस में उस एक्ट से जुड़े हुए जितने भी टर्म्स होते हैं उनकी जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है. ठीक है ना, तो पहला जो टर्म आ रहा है जो हमने पहले भी एक्ट में पढ़ा हुआ है वही टर्म यहाँ पर भी है, दैट इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. सेक्शन टू सब सेक्शन वन, व्हाट इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? किसी को याद आ रहा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है? ये हमने कंपनसेशन एक्ट में भी पढ़ा हुआ है. कुछ चीजें माइंड में आ रही होंगी कि या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरह की कुछ चीजें दिमाग में आ रही होंगी, राइट? सो इतनी सी चीज आप याद रखिए कि जहां पर भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की बात की जाती है, वो ऐसी कंपनीज जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से जुड़ी हुई है, उन कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट जो उसको कंट्रोल कर रही है, उसके लिए रूल्स बना रही है, वो गवर्नमेंट होगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, वो गवर्नमेंट होगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट. और बाकी जितनी भी कंपनीज होती हैं उन सबके लिए जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो होगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट. मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जितनी भी हमारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वाली जो कंपनी होती है या फिर जितनी भी आपकी बड़ी कंपनीज जो होती हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है, जिसके रूल्स रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. मतलब उसके लिए रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है. बाकी सारे केसेस में आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी. बाकी जितनी भी आपकी जो कंपनीज हैं उन सबके लिए स्टेट गवर्नमेंट होगी. जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया भी गया है कि रेलवे कंपनी हो गया, टेलीफोन कंपनी, माइंस, ऑयलफील्ड, इन सब की हैंडलिंग जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कौन होगी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी. और बाकी अदर क्लासेस के लिए, सॉरी, बाकी अदर केसेस के लिए स्टेट गवर्नमेंट होगी. ठीक है, तो इस तरह से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमारी डिवाइडेड होती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट. नाउ नेक्स्ट वन इज कन्फाइनमेंट. कन्फाइनमेंट सेक्शन टू सबसेक्शन थ्री, कन्फाइनमेंट. इसको ना इस तरह से आप याद रखिए कि इसका जो सीधा सीधा सा जो मतलब है वो सीधा मतलब है मैटरनिटी से रिलेटेड या चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड. तो आप इसको ना कभी भूलेंगे नहीं. ठीक है, ये जो कन्फाइनमेंट है, कन्फाइनमेंट का जो मतलब है दैट इज दी चाइल्ड बर्थ. ठीक है, ये किससे मतलब है? ये चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है. तो इसको आपको इस तरह से याद रखना है. तो अदरवाइज कन्फाइनमेंट जब भी आपके सामने वर्ड आता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो कन्फाइनमेंट चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है. तो कभी भी इससे जुड़ा हुआ आपको कभी मान लीजिए कभी क्वेश्चन आता है जो लाइक ऑब्जेक्टिव्स में आ रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो याद रखिएगा कन्फाइनमेंट चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है. मतलब अगर लेबर या लिविंग चाइल्ड इश्यूज या इससे जुड़ा हुआ कहीं पर भी कोई भी केस आता है तो आप उसको माइंड में रखकर याद रख सकते हैं. ठीक है, ये प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ है तो चाइल्ड बर्थ. सो इसमें देखते हैं, मींस लेबर रिजल्टिंग इन इशू ऑफ लिविंग चाइल्ड और लेबर आफ्टर 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन द इशू ऑफ चाइल्ड वेदर लाइफ और डेथ. एक्चुअली होता क्या है कि इसमें सीधा सा मैं आपको बताऊं कि इसमें बोला है 26 वीक के बाद में जब भी अगर चाइल्ड चाइल्ड को
लाइक लेबर किया जाता है या चाइल्ड को डिलीवर किया जाता है, चाइल्ड का बर्थ होता है, ठीक है, वो मिसकैरेज का केस भी हो सकता है या वो नॉर्मल चाइल्ड लीविंग का केस भी हो सकता है. तो जब हमारा जो लेबर होता है, या हम किसे कहते हैं कि जब चाइल्ड लेबर पेन हो रहा है, उसके बाद जब चाइल्ड बर्थ होती है, तो वो चाइल्ड बर्थ के दौरान, वो चाहे वो लाइव कंडीशन में हो या डेथ कंडीशन में हो, ये जो प्रोसेस होती है, जो लेबर की जो प्रोसेस होती है, चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस होती है, उसे कन्फाइनमेंट कहा जा रहा है. ठीक है, जो चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस होती है, उसे कन्फाइनमेंट कहा जा रहा है. आपको इतनी बात इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर. प्रेगनेंसी के केस में जो चाइल्ड बर्थ होता है, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है. बस इतना याद रखो, आप ये कभी नहीं भूलेंगे. नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रीब्यूशन. ये टर्म जैसा आपको, ये आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 दिया गया है. कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करने की बात की जा रही है. दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. अब जो हम यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपको पता है कि जब हम ईएसआई एक्ट की बात करते हैं, तो ईएसआई एक्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैसा जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है कॉर्पोरेशन को. कौन सी कॉर्पोरेशन को? ईएसआई कॉर्पोरेशन को, है ना, क्योंकि इस काम को करने के लिए कुछ पैसा चाहिए, कुछ फंड चाहिए. तो वो फंड जो होता है, वो कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम पर जाता है, और वो जो रहता है वो ईएसआई कॉर्पोरेशन के पास जाता है, क्योंकि वही सब कुछ हैंडल करती है. तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स द सम ऑफ मनी पेबल टू द कॉर्पोरेशन बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय एंड इंक्लूड एनी अमाउंट पेबल बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. सीधी सी बात है, जो भी हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के लिए जितना भी अमाउंट पे करता है, किसको? कॉर्पोरेशन को जो पे करता है, वो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन कहला रहा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है, इस एक्ट में इम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है. बट बेसिकली होता क्या है कि जो एम्प्लॉयर की एम्प्लॉयर जो रहता है, जब एम्प्लॉय को सैलरी देता है, तो सैलरी के टाइम पर ही वो उसे डिडक्ट करके उसके फंड में पहुंचवा देता है. ठीक है, तो ये जो फंड जाता है वो आपका क्या है, ईएसआई कॉर्पोरेशन वाला है. ठीक है ना, वो ईएसआई कॉर्पोरेशन वाला है. एंड प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अंडर दिस एक्ट हैव टू पे सम ऑफ मनी टू द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कॉर्पोरेशन अकॉर्डिंग टू रिलेवेंट प्रोविजन. जितना भी रिलेवेंट प्रोविजन में बोला गया है कि कितना मनी जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, उससे रिलेटेड पैसा यहाँ पर इसके थ्रू चला जाता है ईएसआई कॉर्पोरेशन को. ये आपका बताया गया है कॉन्ट्रीब्यूशन में. नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 3. इसमें आपको जो कॉर्पोरेशन बताया जा रहा है, दैट मींस कि यहाँ बात की जा रही है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसे हम ईएसआई कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, जो इस एक्ट में बनाई गई है. बेसिकली इस एक्ट को सही तरीके से चलाने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई है, वो ऑर्गेनाइजेशन ही यहाँ पर ईएसआई कॉर्पोरेशन है. यस, सो सेक्शन 2 सब सेक्शन 6A इज डिपेंडेंट. तो ये जो आपका सेक्शन है, ये डिपेंडेंट के बारे में बताता है. ये डिपेंडेंट जो है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंपनसेशन एक्ट में, वही चीज यहाँ पर भी सेम रिपीटेड है कि मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव ऑफ द डिसीज इंश्योर्ड पर्सन. जो भी हमारा डिसीज इंश्योर्ड पर्सन है, जो इंश्योर्ड है इस एक्ट में, उसके जितने भी रिलेटिव हैं, वो यहाँ पर एज अ डिपेंडेंट आते हैं. वो कौन कौन हो सकते हैं? द फर्स्ट वन, अ विडो, अ माइनर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन. विडो हो सकती है, जो भी उसने अगर लीगली तौर पर किसी को अडॉप्ट किया है, वो सन या वो माइनर हो सकता है, मतलब उसका छोटा भाई बहन हो सकता है. अनमैरिड लेजिटिमेट और अडॉप्टेड डॉटर भी उसकी हो सकती है, या फिर अगर उसकी मदर है जो विडो है, वो भी इनमें इंक्लूड हो सकती है. इफ होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ, तो लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन और डॉटर हु हैज अटेंडेड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड इट्स इन्फॉर्म. अगर यही पर्सन अकेला है जो कि कौन है, इंश्योर्ड पर्सन जो है, वही एक अर्निंग पर्सन होता है, उस केस में 18 साल अगर कंप्लीट कर चुका है बच्चा, चाहे वो उसकी डॉटर हो चाहे वो उसका सन हो, तब भी वो पर्सन वहां पर डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे, अगर अर्निंग पर्सन यहाँ पर एक ही है. ठीक है, और उस समय उसकी अगर डेथ हो जाती है, तब भी ये डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे. इसके अलावा अगर देखा जाए कि कोई भी पर्सन जो है, उसके पेरेंट्स है, ठीक है, उसके पेरेंट्स वो यहाँ पर इनकी कैटेगरी में आ सकते हैं, या फिर जितने भी आपके माइनर लेजिटिमेट सन, अनमैरिड लेजिटिमेट डॉटर अगर है उसकी,
ना, या फिर आपके जो अडॉप्टेड अडॉप्टेड अगर बच्चे हैं, ठीक है, वो आ सकते हैं, उसके उसका भाई, उसका छोटे छोटी बहन, या विडो सिस्टर है, इफ इफ अ माइनर, कोई अगर माइनर है उस केस में, मतलब माइनर का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे, माइनर मतलब बिलो 18, 18 साल से अगर छोटा कोई है तो वो माइनर है। विडो डॉटर इन लॉ है अगर, तो वो भी उसी की कैटेगरी में आएगी, किसकी, डिपेंडेंट की कैटेगरी में। माइनर चाइल्ड जो कि प्री डिसीज सन है अगर, तो वो भी आपका आ सकता है, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से एक पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट अगर है ना, और अगर इंश्योर्ड पर्सन के अगर पेरेंट्स लाइव नहीं है, तो उस केस में उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी उसके कौन कहलाएंगे, उसके डिपेंडेंट कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख। नाउ सेक्शन टू सबसेक्शन एट, सेक्शन टू सबसेक्शन एट, एम्प्लॉयमेंट इंजरी। एम्प्लॉयमेंट इंजरी, ये भी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है और इसके नाम से ही बिल्कुल आपको कंफर्म हो रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी। एम्प्लॉयमेंट इंजरी दैट मींस इंजरी जो कि पर्सन को एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर हुई है, तो दैट इंजरी इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट इंजरी। मीन्स पर्सनल इंजरी टू एन एम्प्लॉय कॉज्ड बाय द एक्सीडेंट और द ऑक्यूपेशनल डिजीज अराइजिंग आउट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो टर्म आपके सामने आया, अराइजिंग आउट एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर पूरा एक मैंने लेक्चर इसका डाला हुआ है कंपनसेशन एक्ट में, तो वो आप देख सकते हो। क्लियर है कि आपका कभी भी कोई भी आपको एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो रही है, दैट मींस कि अगर आपका जॉब के दौरान किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो रहा है, या फिर आपको ऑक्यूपेशनल डिसीज हो गई है उसमें, उस पर्टिकुलर वर्क में काम करते हुए किसी भी एम्प्लॉय को, तो इन दोनों ही केसेस में ये जो आता है ये आपका एम्प्लॉयमेंट इंजरी में आता है। और हमेशा कहा जाता है अराइजिंग आउट एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो वर्क करने के दौरान हुआ है या वर्किंग प्रमाइसिस में कहीं पर भी उसको हुआ है, तो वो आपका एम्प्लॉयमेंट इंजरी में आएगा। वो एक्सीडेंट अगर हुआ है तो वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी में आएगा। तो उसमें जितने भी पर्संस आपके जो इंश्योर्ड हैं, उस जो आपके एक्ट में जितने भी पर्संस अगर इंश्योर्ड हैं, तो उनको इसके बेनिफिट मिलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्लियर है आपको व्हाट इज दी एम्प्लॉयमेंट इंजरी, जो एम्प्लॉय के एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो इंजरी हो रही है, चाहे वो ऑक्यूपेशनल डिसीज हो, चाहे वो एक्सीडेंट के दौरान हो, दैट कम्स अंडर द एम्प्लॉयमेंट इंजरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज। अब जैसे कुछ डेफिनेशंस मैंने पहले भी कहा है कि लाइक एम्प्लॉयज हो गया या वेजेस हो गया, ये ऐसी डेफिनेशन है जिनके मीनिंग अकॉर्डिंग टू एक्ट चेंज होते जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्ट इनके जो मीनिंग्स हैं वो चेंज होते जाते हैं। अगर कंपनसेशन एक्ट में मैं एम्प्लॉयज की बात करूं, तो वो पर्सन यहाँ पर एम्प्लॉय है जिसको हम कंपनसेशन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर फैक्ट्री में बात करूं, तो वो पर्सन वहां पर एम्प्लॉय है जो उस फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू सेक्शन आपके जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग चेंज होते जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी सेक्शन टू सबसेक्शन नाइन जो है वो आपके एम्प्लॉयज की डेफिनेशन को बता रहा है। तो लेट्स सी कि यहाँ पर एम्प्लॉयज में क्या इंक्लूड होगा, ठीक है। सो मीन्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर द वेजेस इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट टू विच द एक्ट अप्लाइज। दैट मीन्स कि जो पर्सन जहाँ पर ये वर्क कर रहा है, उस फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है, उस एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ है, उस एस्टेब्लिशमेंट में जो वर्क कर रहा है और उसे उसके काम के बदले उसका वेजेस मिल रहा है, वो पर्सन यहाँ पर कौन है, एम्प्लॉयज है। वो यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय भी एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के थ्रू डायरेक्टली अपॉइंट किया हुआ पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन, वो पर्सन जो कि वहां का ऑनर है, ठीक है, जो पर्सन वहां का ऑनर है। तो उस ऑनर ने किसी को अगर डायरेक्टली एम्प्लॉयड किया हुआ है, तो वो पर्सन भी यहाँ पर एम्प्लॉय कहलाएगा, जो कि क्या काम कर रहा है, जो वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि फैक्ट्री का जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें ये अपना काम करता है, तो वो पर्सन यहाँ पर कौन कहलाएगा, एम्प्लॉय कहलाएगा। इसके अलावा हु इज एम्प्लॉयड बाय थ्रू एन इमीडिएट एम्प्लॉयर ऑन द प्रमाइसिस ऑफ द फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट। अब यहाँ पर क्या हो गया कि मान लीजिए कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने किसी को हायर किया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के लिए अगर उसने किसी को हायर किया हुआ है और वो जो पर्सन है वो रिक्रूट कर रहा है एम्प्लॉयज को, तो इस केस में वो जो इमीडिएट एम्प्लॉयर है वो इमीडिएट एम्प्लॉयर भी यहाँ पर कौन, यहाँ पर जिसको हायर कर रहा है वो पर्सन भी यहाँ पर एम्प्लॉय कहलाएगा। क्योंकि वो किस लिए हायर कर रहा है, बेसिकली वो हायर कर रहा है फैक्ट्रीज की और एस्टेब्लिशमेंट में वर्क करने के लिए, ठीक है। तो वो पर्सन भी यहाँ पर कौन कहलाएगा, एम्प्लॉयर कहलाएगा, सॉरी एम्प्लॉय कहलाएगा। फिर से सुनिएगा, एक तो हो गया प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो वहां का ऑनर है, दूसरा समटाइम इट्स इट मे बी पॉसिबल कि ही हायरिंग समवन टू रिक्रूट
जैसे इसने कोई एचआर मैनेजर को इसने अपॉइंट किया है रिक्रूटमेंट के लिए, फिर एचआर मैनेजर बाकी के पर्सन्स को क्या कर रहा है, अपॉइंट कर रहा है या रिक्रूट कर रहा है। तो इस केस में ये जो पर्सन है ये क्योंकि इम्प्लॉयज के साथ में डील कर रहा है, इस ये इम्प्लॉयज को रख रहा है, तो ये क्या करेगा, ये कौन कहलाएगा, इमीडिएट एम्प्लॉयर कहलाएगा। तो इमीडिएट एम्प्लॉयर भी अगर किसी को अपॉइंट करता है तो वो पर्सन भी यहाँ पर एम्प्लॉय कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसको किसी ने हायर किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आए हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो पर्सन भी यहाँ पर एम्प्लॉयज कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये एम्प्लॉयज को हम बता सकते हैं। बट एम्प्लॉय डज नॉट इंक्लूड, मतलब ऐसे कौन से एम्प्लॉयज हैं जो एम्प्लॉयज की कैटेगरी में नहीं आते, ऐसे कौन कौन से मेंबर्स हैं जो एम्प्लॉयज की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर जो नहीं आते हैं वो बोला जा रहा है, वो किस केस में बोला जा रहा है, ईएसआई एक्ट के केस में बोला जा रहा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के केस में बोला जा रहा है कि कौन नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो एनी ऑफ द मेंबर्स जो कि इंडियन नेवल्स या मिलिट्री या एयरफोर्स के होते हैं वो ईएसआई एक्ट में इंक्लूड नहीं हो सकते हैं। और ऐसे भी पर्सन जिनका वेजेस जो है वो अगर रेन्यूमरेशन को हटा भी दिया जाए, सॉरी ओवर टाइम रेन्यूमरेशन को हटा भी दिया जाए, उसके बाद भी जो उनका जो वेजेस है वो अगर एक जो डिसाइडेड लिमिट है उससे अगर ज्यादा हो रहा है, तो वो पर्सन भी यहाँ पर ईएसआई एक्ट कैटेगरी में नहीं आएंगे। जैसे जो आपका जो 2017 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो वेज लिमिट है वो बताई गई है 21,000, 21,000 जो है वो वेज लिमिट है। इस वेज लिमिट से ऊपर अगर किसी की वेज होती है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है, वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो वो पर्सन जो इससे नीचे के हैं वही पर्सन यहाँ पर जो है वो इंक्लूड होंगे ईएसआई की कैटेगरीज में, ठीक है। तो इस तरह से कौन एम्प्लॉयज हैं और कौन एम्प्लॉयज नहीं है वो हम यहाँ पर बता सकते हैं ईएसआई एक्ट में। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। ये डेफिनेशंस आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, क्योंकि कोई भी एक डेफिनेशन कभी भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, तो इसलिए आपको उनके मीनिंग क्लियर होना जरूरी है। एक बार मीनिंग क्लियर हो तो आप उसकी डेफिनेशंस अपने आप उसको लिख सकते हैं, या फिर एटलीस्ट मीनिंग आप अपने आप उसको समझा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।